अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। कुछ शॉपिंग जो है वो हमने रमज़ान से पहले ही कर ली थी और आज जो है वो हम कुछ फाइनल चीज़ें लेने जा रहे हैं जैसे वरीशा एक क्लिप शो ज़ाहर के, तो कुछ हमने गिफ्ट लेने हैं। तो चले चलते हैं मॉल शॉपिंग के लिए। ज़्यादातर जो है वो मिर्दिफ मॉल ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हर तरह की शॉप्स हैं और हमें जो है वो अच्छा लगता है वहाँ शॉपिंग करना। तो ये खाड़ी थी तो मैंने कहा चलो कुछ खाड़ी से देखते हैं। फिर उसके बाद हम गए सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा फेवरेट है। उधर जो है हमें हर तरह की चीज़ मिल जाती है और आप यहाँ गिफ्ट्स भी ले सकते हो, ज्वेलरी भी ले सकते हो, बच्चों की हर तरह की चीज़ है, सब वैरायटी जो भी आप लेना चाहते हो। मुझे लगता है ऑल इन वन एक शॉप में है तो बड़ी आसानी हो जाती है। हमें क्लिप्स देख रही थी वरीशा के लिए। बस फिर हमने वरीशा के भी शूज़ देखना शुरू किए और वरीशा जो वैसे भी अपनी मर्ज़ी से पसंद करती है। फिर मुझे लगता है वो साइज सही है आपके बात का। मुझे तो सही लग रहा है। लो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? बस वरीशा के लिए जो हमने शूज़ थे वो सिलेक्ट कर लिए। फिर आहत की बारी थी। आहत ये था कि सो रहा था तो समझ नहीं आ रही थी कि इसका साइज़ किस तरह देखे, लेकिन फिर मैंने लेटे लेटे ही इसको ट्राई किया और इसके लिए शूज़ ले लिए। वरीशा का हमेशा यही होता है, वो जब भी शॉपिंग के लिए जाती है कहीं पे भी जाती है तो उसको एक टॉय ज़रूर चाहिए होता है। फिर उसने अपने लिए एक टी शर्ट लिया और हम जो थे फिर बैठ गए फूड कोर्ट में और वरीशा जो थी वो खेलती रही और मैं जो थे वो खाना लेकर आ गए। 9 पीसेस वाली बकेट ही खत्म कर दी है। अच्छा, चार चार वाले दो लिए और मल्टी सिंगल लिया। बस सामने ही मैजिक प्लैनेट है और फिर यहाँ तो लाजमी जाना होता है बच्चों ने। बहुत मजा आ रही है। खत्म गया। I want more with you, more with you. मैं भी सर घूम गया, मुझे क्यों बिठाए हैं इसमें? ये इस मिनी रोलर कोस्टर था यार। मुझे आपके साथ जाना। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन वरीशा जो है वो उसको तो बहुत मजा आया और वो दोबारा से कह रही है मैं बाबा के साथ जाऊंगी। छोटे से और झूले भी वरीशा ने कहा कि ले और आहत के लिए को भी लेने होते हैं, तो फिर आहत को भी बैठाया झूलों पे। आहत बहुत इंजॉय करता है, लेकिन ये कि जब उसने ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो पूरा टाइम रोता रहता है, लेकिन उतारना तो होता ही है बच्चों को। कहीं पे भी ड्रॉप करना है सोनिया तुम्हें नीचे। Smoke.
small fries. Wow, small fries. रास्ते में ही बतील था तो बतील पे हम रुके थोड़ी देर, और इनकी खजूरें बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत बहुत अच्छी होती हैं, तो हमने थोड़ी सी खजूरें यहाँ से लीं। बस फिर हमारे सारे काम जो थे वो कंप्लीट हो गए, और बस फिर हम जो है वो घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि वरीशा का नेक्स्ट डे जो था वो स्कूल में ईद मिलन उसकी पार्टी थी, तो उन्होंने ईद सेलिब्रेशन जो थी वो ईद से पहले ही कर ली रमज़ान में, तो फिर वरीशा को जल्दी जाके सुलाना भी था। वरीशा आज आप क्यों तैयार हो रही है? ईद है स्कूल में सेलिब्रेशन। वाह, यू लुक सो ब्यूटीफुल वरीशा। बस ये वरीशा और उसके बाबा जो हैं वो हमेशा जब भी ये तैयार होती है तो इनका फ़ोटोशूट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये दोनों जो है वो वरीशा के हर फंक्शन हर ओकेजन पे यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोशूट करते हैं। ने कोई आर्ट वो बनाई है ड्राइंग, तो उसका उन्होंने दिया है। वरीशा का ड्रॉप किया और स्कूल वालों ने हमें उसकी ये पेंटिंग जो थी इसका एनवेलप दिया, तो मैंने सोचा कि घर जाकर खोलते हैं, और मुझे एक्साइटमेंट थी कि वरीशा ने क्या बनाया होगा, तो बस हम जल्दी जल्दी घर गए। ये वरीशा के स्कूल से मिला, उसका कोई आर्ट वर्क है, तो इसको खोल के देखते हैं कि क्या बनाया उसने। ये देखो वरीशा ने क्या बनाया। ओह वाह, कल से इसने सूरज बनाया उसकी किरणें। उसका फर्स्ट आर्ट वर्क है, इसको फ्रेम करवाते हैं। बस चांद रात हो और मेहंदी ना लगे, तो वरीशा ने भी मेहंदी लगवाई हीरा से, और इसने नाम जो था वो दादा दादी का और बाबा मामा का और राहत का लिखवाया, तो इतना अच्छा लगता है बच्चे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उसने खुद कह के लगवाया। फिर हीरा ने मुझे भी मेहंदी लगाई, और हम सारी रात जो थे वो बातें बातें करते हुए हमने गुजारी। आप लोग को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हैप्पी।